पांगी कल्याण संघ चंबा की मासिक बैठक बुधवार को अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पांगी घाटी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश की भागदौर संभालने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। पांगी घाटी की समस्याओं को लेकर भगत बड़ोत्रा ने कहा कि बीते करीब 5 दशक से पांगी घाटी के लोग चैनी सुरंग निर्माण की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें मात्र आश्वासन ही प्राप्त हुए हैं। ये हमारी बहुत ही पुरानी मांग है, 1970 से लेकर हम मांग रहे हैं, क्योंकि 12 महीने अगर पांगी को देश के साथ जोड़ के रखना है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देश को सुरक्षित करना है, खासकर जैसे पाकिस्तान और चाइना जैसी विपत्तियों से, तो ये चैनी पास टनल का बनना बहुत ही जरूरी है। इसको हम कई बार आपके माध्यम से बता चुके हैं, क्यों? क्योंकि आपका ले जो है वो पठानकोट एयर बेस से, पठानकोट आर्मी बेस कैंप से कम 800 किलोमीटर पड़ता है बाय मनाली होके, जबकि ये अगर ये चैनी टनल बन जाती है आपकी तो ये 300 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा, लगभग 500 किलोमीटर के करीब करीब ये रास्ता पड़ता है। तो इस पे सरकार को गौर करना चाहिए, इसका एक प्रस्ताव हमने बना के ये हम भेजेंगे नितिन गडकरी जी को तथा प्रधानमंत्री जी को। और दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो है अलग विधानसभा क्षेत्र बहाली का। बहाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी 1953 से लेकर 1966 तक अलग विधानसभा थी, और 1966 में हमारे पांगी के लोगों को दरकिनार करते हुए, उन्हें बगैर पूछे हुए, पता नहीं किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से उसको तोड़ दिया गया और उसका विलय जो है भरमौर में कर दिया गया, जो कि पांगी पंगवाल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो मैं आज हमने इस पे भी चर्चा की है कि 2026 में जो एक डिलिमिटेशन प्रस्तावित है, तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पे गौर करें और हम इसका एक प्रस्ताव हम अपने नए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी को भी भेजने वाले हैं। और तीसरा जो हमारा मेन मुद्दा था वो है जैसे हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स का। तो जैसे पीछे भी हमने कहा था कि हिमाचल में जैसे पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार में पांगी के लिए एक भी हवाई उड़ान नहीं हो पाई है। आजकल सर्दियों में रास्ता हमारा जो साच पास सबसे नियरेस्ट रास्ता था वो बंद हो चुका है, और आप देखते होंगे कि वहाँ पे जब बुजुर्ग लोग बीमार हो जाते हैं, छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उनको बाय लाहौल स्पीति होके आना पड़ता है या फिर बाय जेंट के आना पड़ता है, जो कि बहुत दूर पड़ता है और वित्तीय रूप से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इन मुद्दों को लेके हमने आज एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है, तो ये हम भेजेंगे और हम चाहेंगे कि आगामी वर्ष हमारी इन मांगों पे सबका ध्यान आए। धन्यवाद।